जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा ना, सबसे पहले तुझे दिखाने ले जाऊंगा। गाइस अभी के टाइम में ना इंस्टाग्राम पे कुछ इस टाइप की रील वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, एंड इसमें होता है क्या, थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे लिरिक्स लिख के आता है, उसके बाद अपनी मॉम की या फिर अपने क्रश या फिर जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो तो फोटो को ऐड कर लेना, टोटली आपकी जो वीडियो ना वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है अपने इंस्टाग्राम पे, खास करके आप लोग अपनी मॉम की फ़ोटो ऐड कर सकते हो इसमें। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एडिटिंग को कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपको भी सेम टू सेम एडिट करना है ना तो इस वीडियो को फुली वॉच कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट गेट स्टार्ट ट्यूटोरियल। ओके डन गाइस, तो अभी आपको VN एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक स्क्रीन को ओपन कर देना है, जिसमें आप लोगों का जो लिरिक्स है वो कुछ इस तरीके से आएगा, एंड आपको मैं एज इट इज़ दे दूंगा, आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप लोगों ने इसको ऐड कर लेना है, एंड जो ब्लैक स्क्रीन एक्स्ट्रा होगा उसको डिलीट कर देना। देन आप लोग प्लस वाले आइकन पे आ जाना और आप लोग अपनी मॉम वगैरह या फिर जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो उस पिक को ओपन कर लेना। डन, तो पिक ऐड करने के बाद ना अभी आप लोगों को म्यूजिक वगैरह को ऐड करना है, तो म्यूजिक वाले सेक्शन के अंदर आएंगे और मैं आप लोगों को ना यही एक एज इट इज़ वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसके अंदर से आप लोगों ने म्यूजिक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ से करेंगे हम लोग ओके, तो हमारा जो म्यूजिक है ना वो प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप लोगों ने ऐसे चूज कर देना है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना एक बीट मार्क अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा सा जो म्यूजिक होगा ना वो सडनली चेंज होगा, तो आप लोगों ने बीट मार्क को अप्लाई करना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन को ऐड करोगे तो फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई होगी। तो मैं सबसे पहले का इस चीज़ को कम्प्लीट करता हूँ। तो अभी आप लोगों को 5.29 सेकंड पे एक बीट को अप्लाई करना है, आप लोग नोट कर सकते हो, और फिर हम लोग यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे, एंड अगेन राइट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो म्यूज़िक है वो भी लग चुका है। उसके बाद ना आप लोगों को ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड करना है, तो थोड़ा सा राइट जाना, फ्लैश का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप लोगों ने कुछ इस तरीके से रेशियो आप लोग 0.77 सेकंड और फिर राइट पे क्लिक, तो देख सकते हो बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों का फोटो कुछ इस तरीके से चेंज होगा, एंड म्यूज़िक के साथ सुनोगे तो काफ़ी अच्छा फील भी आएगा ना आपको। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को कलर ग्रेडिंग बता देता हूँ, फिल्टर के अंदर आ जाना एंड थोड़ा सा राइट जाना आप लोग, यहाँ पे पोलराइड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो बहुत सारे आप लोगों को फिल्टर मिलेंगे, जस्ट आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देख लेता हूँ कि कौन सा बढ़िया है वो अप्लाई करना है। तो अभी गाइस हम लोग A3 को अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटी आप लोगों को 21 और फिर कर देना है राइट पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद अगेन आप लोगों को फिल्टर के अंदर जाना है, और सॉरी फिल्टर के अंदर चलेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा राइट जाना है, ठीक है, फॉग का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आप लोग ना थोड़ा सा अपना फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हो, तो मेरे को थोड़ा सा ये वाला रखना है और इसकी इंटेंसिटी करेंगे कम, अप्लाई टू ऑल। उसके बाद अपने पिक को लेकर आना, इस पर आप लोगों का फिल्टर अच्छे तरीके से शो होगा, एंड एडजस्ट टूल के अंदर आ जाना है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ से एक्सपोजर को माइनस सॉरी इंक्रीज, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज, हल्का सा ब्राइटनेस माइनस, उसका सेचुरेशन, और यहाँ से आप लोग वाइब्रेंस वगैरह देख सकते हो, तो मैं थोड़ा सा माइनस कर लूँगा क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग है, और यहाँ से आप लोग शार्पनिंग मेंटेन कर सकते हो और कर देना अप्लाई टू ऑल। देन गाइस हमारा जो वीडियो एडिटिंग का वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुपर लग रही है, एंड बीट के अकॉर्डिंग गाइस काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग एडिट करो, आपकी भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल होने के चांसेस है, क्योंकि नया नया ट्रेंड अभी आया इंस्टाग्राम पे और हर कोई रील बना के डाल रहा है। अभी हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे एक्सपोर्ट, एंड ट्यूटोरियल गाइस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और फ्यूचर में मैं इस टाइप्स की रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तो कीप सपोर्टिंग गाइस।